लोकाधिकार मंच के तत्वावधान में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में यशवंत स्टेडियम से संविधान चौक तक रैली का आयोजन किया गया था। इस मौके पर नागपुर के महापौर संदीप जोशी ने इनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। नागपुर के महापौर संदीप जोशी जी इस समय हमारे साथ में आइए, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जिस प्रकार की आज की यह सभा हुई, इस बारे में उनका अपना क्या कहना। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से आज ये सभा ले गई है, कितनी महत्वपूर्ण थी, क्या कहना चाहोगे और कौन कौन से पॉइंट्स को यहाँ पे बताया गया? ये सेल्फ रिस्पॉन्सिव सभा थी, यहाँ पर लोगों को लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, केवल एक सूचना काफी थी कि आज नागपुर में यह जनसैलाब आया। यहाँ पर आपने देखा होगा कि तकरीबन 50,000 नागरिक केवल और केवल 36 घंटों के पूर्व सूचना से यहाँ पर उपस्थित हुआ। लोगों को पता है कि CAA ये लोगों के लिए, इस देश के लिए आवश्यकता है। यहाँ पर जो देशभक्त लोग हैं उनके साथ में ये CAA है। थोड़ा स्पष्ट करें, CAA क्या? CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके माध्यम से यहाँ पर भारत के बाहर से, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, ये धर्मों के लोगों को जो पिछले अनेक वर्षों से यहाँ पर रेफ्यूजीज करके रह रहे, उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रश्न है। लेकिन इसमें कहीं पर भी देश में रहने वाले मुसलमानों को, जो इस देश में पिछले अनेक वर्षों से रह रहे, उनके ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियाँ गलतफहमी फैला रही है, वो मुसलमानों को एकत्रित कर रही है और उनको बता रही है कि उनके ऊपर भी आक्षेप ये CAA का बिल लाने वाला है। इसीलिए आज का ये सम्मेलन यहाँ पर था कि जनता, देशभक्त जनता, ये CAA के साथ में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और इसीलिए इतना बड़ा यहाँ पर जनसैलाब आया था। मुस्लिमों को कोई विरोध नहीं, लेकिन आए दिन जिस प्रकार से राजनीति हो रही है, लोग अलग अलग बातें को, अफवाह जो फैला रही है, जिसके चलते शहर का वातावरण भी खराब होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में लोगों ने इस ओर ध्यान दे, अफवाहों की तरफ ध्यान न दे और ये जो बिल है, ये इसकी जो कार्रवाई है, ये यूं ही लगातार चलती रहेंगी। अब आखिरकार इसका नतीजा, इसका फैसला क्या होगा, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। संविधान चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।